तो कहानी की शुरुआत सन 1881 के बंगाल प्रेसिडेंसी में होती है, जहां एक छोटी बच्ची जिसका नाम बुलबुल है, उसकी शादी एक आदमी से होती है जिसका नाम इंद्रनील ठाकुर होता है। इंद्रनील एक जमींदार था जिसके दो और भाई थे। एक का नाम महेंद्र था, जो कि इंद्रनील का जुड़वा भाई था और वो मेंटली थोड़ा अंडर डेवलप्ड था। वहीं दूसरे भाई का नाम सत्या था, जो कि बुलबुल की उम्र का ही था। विदाई के वक्त पालकी में बुलबुल और सत्या की अच्छी दोस्ती हो जाती है और सत्या बुलबुल को चुड़ैल वाली कहानियाँ सुनाता है। अब यहाँ बुलबुल को ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी सत्या से हुई है, लेकिन हवेली में आने के बाद बुलबुल को यह एहसास होता है कि उसकी शादी इंद्रनील से हुई है और सत्या तो उसका देवर है। इतना ही नहीं, सत्या इकलौता इंसान होता है जो बुलबुल को उसके नए घर में सहारा देता है, मे बी बिकॉज ये दोनों सेम एज ग्रुप के थे। यहाँ से कहानियाँ 20 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ सत्या लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई करके घर वापस आया है और जंगल के रास्ते में आते वक्त सत्या का ड्राइवर सत्या से गांव में रहने वाली एक चुड़ैल के बारे में बोलता है। इसी बीच एक सीन में हम भी उसे एक औरत की आकृति देखते हैं जो कि पेड़ों से लटक रही थी। खैर, सत्या हवेली पहुँचता है और अगली सुबह वो अपनी भाभी बुलबुल से मिलने जाता है, जो कि बचपन वाली बुलबुल से अब काफ़ी बदल चुकी है। हवेली में इंद्रनील का कोई अता पता नहीं था और महेंद्र की भी 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। यहाँ हम बुलबुल को एक मीटिंग में देखते हैं, जहाँ सत्या का ड्राइवर अपनी दोनों बीवियों के साथ होता है। असल में सत्या के ड्राइवर ने दूसरी शादी कर ली थी और इसलिए बुलबुल ने उसे और उसकी फैमिली को बुलवाया था। बुलबुल कहती है कि अगर ड्राइवर की पहली बीवी को कुछ भी हुआ तो बुलबुल ड्राइवर को पनिश करेगी। बुलबुल और सत्या के कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि सत्या 5 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन गया था और तभी से वो घर नहीं आया था। खैर, सत्या और बुलबुल बिनोदनी से मिलने जाते हैं, जो कि महेंद्र की विधवा होती है, और बिनोदनी सत्या को बताती है कि महेंद्र को एक चुड़ैल ने मारा है, क्योंकि बिनोदनी ने कमरे में खून से लथपथ उल्टे पैरों के निशान देखे थे। बिनोदनी की इन बातों को सत्या और बुलबुल मजाक में उड़ा देते हैं। उसी रात सत्या गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर शिकार पर जाने के लिए तैयार होता है, पर जाने से पहले वो बुलबुल को एक डॉक्टर सुदीप नाम के आदमी के साथ देखता है। यहाँ सत्या को अजीब लगता है, क्योंकि उस जमाने में बुलबुल जैसी शादीशुदा औरत को बिना पर्दे के गैर मर्दों के सामने आना अलाउड नहीं था। सुदीप और बुलबुल गांव के मास्टर दिनकर के बारे में बात करते हैं, जो कि अपनी बीवी को मारता पीटता था, लेकिन मास्टर की बीवी मास्टर के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहती थी। एनीवेज, सत्या गांव के लोगों के साथ जंगल में जाता है और इस ग्रुप में वो मास्टर दिनकर भी था। शिकार के दौरान मास्टर सत्या और बाकी लोगों से अलग हो जाता है और मास्टर पे एक औरत अटैक करके उसे मार देती है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि इस औरत के उल्टे पैर होते हैं और मास्टर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सत्या मास्टर की आवाज़ का पीछा करता है। वहीं सुदीप को भी सत्या की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी इस आवाज़ की तरफ भागता है। भागते भागते सुदीप एक खंडर के पास पहुंचता है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता और उसी बीच सत्या सुदीप को उस खंडर के पास देख लेता है। कुछ समय बाद सत्या और बाकी सभी को मास्टर की डेड बॉडी एक पेड़ से टंगी मिलती है और सत्या को ये लगने लगता है कि ये मर्डर एक आदमी ने किया है। पुलिस के आने से पहले सुदीप गांव वालों से कहता है कि उन्हें मास्टर की बॉडी उसके घर पर रख देनी चाहिए और यहाँ सत्या सुदीप से पूछता है इफ ही सॉ समथिंग, पर सुदीप कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। अगली सुबह सत्या बिनोदनी को हवेली ले आता है, जो कि महेंद्र की डेथ के बाद बाकी विधवाओं के साथ आश्रम में रहने लगी थी। यहाँ एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बिनोदनी बुलबुल से हमेशा बेरुखी से पेश आती थी और वो बुलबुल से जलती भी थी, क्योंकि बुलबुल हवेली की बड़ी बहू थी और बिनोदनी उम्र में काफ़ी बड़ी होते हुए भी हवेली की छोटी बहू कहलाती थी। इतना ही नहीं, बिनोदनी को सत्या और बुलबुल की दोस्ती हमेशा खटकती थी। खैर, सीन अब रियल टाइम में अगर सत्या को मास्टर दिनकर के श्राद्ध में दिखाता है और सत्या डिसाइड कर लेता है कि वो खुद गांव के डेथ्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। सत्या उस खंडर के पास पहुंचता है जहां उसने सुदीप को मास्टर की मौत के वक्त देखा था और वहां सत्या को इंसानी हाथों के निशान मिलते हैं जिन पर खून लगा हुआ था। एनीवेज, हवेली आकर सत्या बिनोदनी से सुदीप के हवेली में आने जाने के बारे में पूछता है, पर उसी वक्त बुलबुल वहां आ जाती है। सत्या के वहां से जाने के बाद बुलबुल एक तरह से बिनोदनी को टॉन्ट करती है, जिसकी वजह से इंद्रनील ने 5 साल पहले सत्या को लंदन भेज दिया था। यहाँ हम भी उसे एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि बिनोदनी सत्या और बुलबुल के दोस्ती के खिलाफ इंद्रनील के कान भाड़ा करती थी और बिनोदनी ने ही इंद्रनील के मन में सत्या को बुलबुल से दूर भेजने का बीज बोया था।
पहले तो बिनोदिनी सत्या के लिए एक रिश्ता लेकर आई थी, जिसके बारे में जानकर बुलबुल दुखी हो गई, क्योंकि सत्या उसका इकलौता दोस्त था। पर फिर जब इंद्रनील सत्या और बुलबुल को साथ समय बिताते और कहानियां एक्सचेंज करते देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। इंद्रनील दोनों को बुलाता है और वो सत्या से कहता है कि वो उसे पढ़ाई के लिए लंदन भेज रहा है। ये बात सुनकर बुलबुल बहुत इमोशनल वे में रिएक्ट करती है, वहीं सत्या को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इन सब चीज़ों को देखकर इंद्रनील को और भी गुस्सा आने लगता है और हम ये क्लियरली समझ पाते हैं कि बुलबुल को सत्या काफ़ी पसंद था। इंद्रनील फिर सत्या के साथ कैलकटा जाता है, जहां वो सत्या के लंदन जाने के लिए पेपर्स तैयार कर सके। और कुछ दिन बाद जब इंद्रनील घर वापस आता है तो वो बुलबुल को बताता है कि उसने सत्या को उधड़ी से लंदन भेज दिया। ये बात सुनकर बुलबुल टूट जाती है और वो गुस्से में उसकी और सत्या की कहानियों वाली डायरी को जला देती है। दूसरी तरफ बिनोदिनी अब भी इंद्रनील के कान भर रही होती है और जब इंद्रनील बुलबुल के कमरे में आता है तो उसे बुलबुल के डायरी के कुछ जले हुए पन्ने दिखते हैं जो कि फायरप्लेस में पड़े हुए थे। उसमें से एक टुकड़े पे सत्या और बुलबुल का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर इंद्रनील को इतना गुस्सा आता है कि वो एक फायर स्टोकर रॉड लेकर बुलबुल के पास जाता है जो कि बाथरूम में होती है, और वो बुलबुल के पैरों को इतनी बेरहमी से मारता है कि उसके पैर पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। बुलबुल के पैरों को ट्रीट करने के लिए ही डॉक्टर सुदीप को बुलाया गया था, जिन्होंने बुलबुल के पैरों को ऑपरेट किया और उनकी मरहम पट्टी करी। डॉक्टर सुदीप के पूछने पे इंद्रनील का कहना था कि बुलबुल सीढ़ियों से गिरी है, लेकिन सुदीप समझ जाते हैं कि ऐसे घाव सीढ़ियों पे गिरने से नहीं होते। इंद्रनील बिनोदिनी से सुदीप को पे करने के लिए कहते हैं और वो खुद हवेली छोड़कर वहां से चले जाते हैं। सीन अब रियल टाइम में शिफ्ट होकर सत्या को हवेली में दिखाता है, जिसके पास कोतवाल आया हुआ है और कोतवाल सत्या को गांव में हुए एक और खून के बारे में बताता है। सत्या और कोतवाल डेड बॉडी के पास जाते हैं और वहां कोतवाल सत्या से कहता है कि एक छोटी सी बच्ची विटनेस है जिसके हिसाब से उस आदमी को काली माँ ने मारा है। कोतवाल सत्या को यह भी बताता है कि सुदीप उस बच्ची का इलाज कर रहे हैं जो अभी ट्रॉमा में है। सत्या ये जानकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि हर एक डेथ से सुदीप की किसी न किसी तरह कनेक्शन ज़रूर थी। और उसी रात सुदीप को इन्वेस्टिगेट करते करते सत्या सुदीप और बुलबुल को एक घर के पास देखते हैं जिसमें बचपन में सत्या और बुलबुल खेला करते थे और वो दोनों वहाँ बैठकर कहानियाँ लिखते थे। खैर, बाद में सत्या बुलबुल को कन्फ्रंट करता है, क्योंकि उसको बुलबुल का सुदीप के साथ होना सही नहीं लगता था, स्पेशली क्योंकि इंद्रनील वहाँ नहीं रहता है और सत्या के हिसाब से बुलबुल अपनी मर्यादा को लांघ रही है। सत्या इंद्रनील को चिट्ठी लिखकर बुलबुल के बारे में बताता है और सत्या इस बारे में बुलबुल से कहते हुए ये बोलता है कि बुलबुल को अपने मायके वापस चले जाना चाहिए। बुलबुल सत्या से कहती है कि सत्या सुदीप से जलता है, इनफैक्ट सत्या भी अपने भाई जैसा ही है। यहाँ हम व्यूअर्स फिर से एक फ्लैशबैक में ये देखते हैं कि जब बुलबुल के पैरों का ऑपरेशन हुआ था और वो बिस्तर में हेल्पलेस पड़ी थी तो मेंटली अनस्टेबल महेंद्र ने बुलबुल को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया था, जिसके बाद बुलबुल दर्द से अपने होश गंवा बैठी थी। कुछ देर के लिए तो बुलबुल की सांसें तक बंद हो गई थी और ये देखकर महेंद्र डर जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि बुलबुल की मौत हो गई है। महेंद्र भागकर अपने कमरे में चला जाता है और इसी बीच हम देखते हैं कि हवेली के बाहर मून एक रेड ब्लड मून में तब्दील हो जाता है और बुलबुल को अचानक से होश आता है, जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है। बुलबुल की चीख और महेंद्र को डरा हुआ देखकर बिनोदिनी बुलबुल के पास पहुंचती है और वो बुलबुल के घाव क्लीन करके उसे साफ कपड़े पहना देती है। ये सब करते वक्त बिनोदिनी मानो खुद से बातें करते हुए कुछ कहती रहती है, एज इफ वो ये बातें खुद को दिलासा देने के लिए कह रही थी। बिनोदिनी कहती है कि भले ही उसका पति मेंटली अंडर डेवलप्ड है, पर उसकी शादी एक बड़े घर में हुई है जहां उसे इज्जत मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, जेवर मिलेंगे, और अगर उसे महेंद्र से इंटीमेसी नहीं मिली तो इंद्रनील उसका ख्याल रखेंगे। ये स्टेटमेंट काइंड ऑफ बुलबुल के लिए भी था, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। इस सब के बीच बुलबुल बिनोदिनी को बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रही होती है और बुलबुल बदली हुई सी लग रही थी, मानो कि उसका इनोसेंस और बचपना एक तरह से खत्म हो गया हो। बिनोदिनी के बाद सुदीप बुलबुल को चेक करने आते हैं और वो समझ जाते हैं कि बुलबुल के साथ जबरदस्ती हुई है। वो बुलबुल से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन बुलबुल सुदीप से अपना काम करने के लिए कहती है। सीन अब फिर से रियल टाइम में शिफ्ट होकर बुलबुल को दिखाती है, जिसे बिनोदिनी महेंद्र के बरसी के पूजा के लिए बुलाने आई होती है, और पूजा के पास बुलबुल को एक लड़का रोते हुए मिलता है जो कि असल में सत्या के ड्राइवर का और उसकी पहली बीवी का लड़का था। वो लड़का बुलबुल को अपनी माँ की लाश के पास ले जाता है और वो ये कहता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को अपनी नई बीवी के कहने पर घर से निकाल दिया है, जिसकी वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली।
दूसरी तरफ सत्या सुदीप के पास पहुंचता है क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि सुदीप ही लोगों को मार रहा है और उसे सुदीप से पर्सनली भी प्रॉब्लम थी। वो सुदीप को लेकर कोर्ट जाना चाहता है जिसके लिए वो सुदीप को गन से थ्रेटन करके ले जाता है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी जंगल के पास रुक जाती है और जब सत्या कैरेज से बाहर आकर देखता है तो वो अपने ड्राइवर को, जिसकी पहली बीवी ने सुसाइड कर लिया था, उसे मरा हुआ पाता है। सत्या को अपने सामने एक औरत की आकृति भी दिखती है और सत्या उस पर गोली चला देता है। सत्या सुदीप को ये कहकर छोड़ देता है कि उसने चुड़ैल को देख लिया है जो कि गांव में मर्डर्स कर रही है, विच मीन्स दैट सुदीप इज नॉट द किलर। इसके बाद सत्या अकेले ही चुड़ैल को पकड़ने निकल जाता है और यहाँ सुदीप के सामने वो चुड़ैल आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि बुलबुल थी और बुलबुल का अवतार देवी माँ जैसा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बुलबुल के उल्टे पैरों को देख पाते हैं और फ्लैशबैक की कुछ सीन से हमें पता चलता है कि बुलबुल के पैरों के ऑपरेशन के बाद भी उसके पैर इस कदर डैमेज हो गए थे कि उसके पैर उल्टे हो गए और बुलबुल के पैरों को सीधा करने के लिए सुदीप उसका ट्रीटमेंट भी करता था और वो उसके लिए स्पेशल शूज भी लेकर आया था। एनीवेज, सुदीप देखता है कि बुलबुल को सत्या के बंदूक से गोली लगी है एंड शी वॉज ब्लीडिंग और सुदीप सत्या के पीछे जाता है टू स्टॉप हिम फ्रॉम किलिंग बुलबुल। सुदीप बार बार सत्या से कहता है कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, लेकिन सत्या जंगल में आग लगा देता है। सत्या ये बात सुनने को तैयार ही नहीं होता कि वो औरत चुड़ैल नहीं है और यहाँ हम व्यूअर्स को फिर से एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें हम एक आदमी को बाथटब में देखते हैं जो कि एक छोटी सी बच्ची को एक्सप्लॉइट करने वाला था, पर तभी वहाँ बुलबुल आकर उस आदमी को मार देती है और उस बच्ची को बचा लेती है जो बुलबुल को देवी माँ समझने लगी थी। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बुलबुल ने मास्टर दिनकर को कैसे मारा, क्योंकि मास्टर दिनकर अपनी बीवी को फिजिकली अब्यूज़ करता था। फाइनल फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बुलबुल ने ही महेंद्र को काट कर मार दिया था क्योंकि महेंद्र ने उसे मॉलिस्ट किया था और बुलबुल के ही उल्टे पैरों के निशान बिनोदनी को मिले थे, यानी कि गांव में अगर कोई भी मर्द औरत को पीड़ा दे रहा था तो बुलबुल उसे मार दे रही थी और लोगों को ऐसा लगने लगा था मानो गाँव में कोई चुड़ैल है। सीन अब शिफ्ट होकर जंगल को दिखाता है जहाँ चारों तरफ सत्या ने आग लगा दिया है और सुदीप बुलबुल को ढूंढ रहा होता है। बुलबुल जो कि अब घायल थी वो एक पेड़ पे सहारा लेती है और वहाँ बैठ जाती है। दूसरी तरफ सुदीप सत्या के पास पहुँचता है और जब सत्या सुदीप को जंगल में बड़ी बहू बुलाते हुए सुनता है तो वो फाइनली रियलाइज करता है कि वो चुड़ैल नहीं बल्कि बुलबुल है। सत्या टूट जाता है और वो अपने बुलबुल के बचपन वाले दिनों को याद करता है। दूसरी तरफ बुलबुल आग से घिरी हुई एक पेड़ पे बैठी होती है और वो अपने पास्ट को सोच के रोती है और इसके ठीक बाद वो आग में जलकर मारी जाती है। कहानी अब एक साल बाद शिफ्ट होती है जहां हम इंद्रनील को हवेली में वापस देखते हैं जो कि सत्या की चिट्ठी मिलने पे वापस आया था। सत्या हवेली छोड़कर चला जा चुका था और उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि उस हवेली के तीनों भाइयों ने मिलकर एक औरत को मार डाला है। उस रात जब इंद्रनील सो रहा होता है तो उसे बुलबुल की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उठकर देखता है तो वो बुलबुल की स्पिरिट को मेटेरियलाइज होते हुए देखता है और बुलबुल इंद्रनील को एक सिनेस्टर स्माइल देती है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।